हेलो भाई नवगीत। फाइनली भाई अक्टूबर का महीना ख़त्म हो चुका है, नवंबर आ गया भाई। आज 6 तारीख की 7 तारीख है और भाई लिस्ट भी आ चुका है कि 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ कौन सी हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस वीडियो में भाई 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के बारे में जानने वाले हैं अक्टूबर महीने की। पिछले महीने से तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस भी जानेंगे और उनमें कौन कौन से इंजन ऑप्शंस मिलता है ये भी जानेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट नंबर पे तो भाई पिछले महीने वाली ही गाड़ी आई है, लेकिन सेकंड नंबर पे भाई जो गाड़ी आई है ना उसको आपने थंबनेल में देख लिया होगा। खैर आप फटाफट शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। तो 25 नंबर पे आई है हुंडई की ग्रैंड आइटन नियोस। ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है। इसकी भाई 6235 यूनिट बिकी अक्टूबर के महीने में, 6235 यूनिट है। दीपावली में कुछ खास इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया भाई हुंडई को। ये आपको 6,94,000 रुपये शुरू के मोटा मोटी 10,05,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है, डीजल इंजन नहीं मिलता। बाकी 24 नंबर पे है किया सेल्टॉस है। मतलब इतनी तगड़ी गाड़ी है फिर भी 24 नंबर पे आई है। इसकी भाई 6,365 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। ये भाई कॉस्ट करती है 12,84,000 रुपये शुरू के 24,32,000 रुपये तक है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT वगैरह सब चीज़ देखने को मिल जाता है। बाकी 23 नंबर पे किया कैरेंस है। ये भाई मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। इसकी 6,384 यूनिट बिकी है अक्टूबर में, 6,384 यूनिट। ये 12,40,000 रुपये शुरू होकर 23,72,000 रुपये तक आपको आसानी से मिल जाती है। इसमें भी आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT वगैरह सब चीज़ देखने को मिल जाता है आपकी किया सेल्टॉस की तरह। भाई देखो अर्टिगा से ये गाड़ी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, लेकिन लोग बाग अर्टिगा पे ट्रस्ट करते हैं इसीलिए वो उतना बिकती है। नहीं तो भाई किया कैरेंस भी नो डाउट 20-30,000 बिकना तो डिजर्व करती है कम से कम है। खैर 22 नंबर पे हुंडई की एक्सटर, ये माइक्रो SUV है भाई। इसकी 7,127 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में, 7,127 यूनिट है। ये कॉस्ट करती है 7,17,000 रुपये शुरू के मोटा मोटी 12,29,000 रुपये तक है। अगर देखा जाए तो ये गाड़ी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, लेकिन पंच को आज तक ये बीट नहीं कर पाई। इसमें आपको पेट्रोल, CNG, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। बाकी 21 नंबर पे आई है महिंद्रा की थार और थार रॉक्स, दोनों कंबाइन 7,944 यूनिट बिकी है, 7,944 यूनिट। वाह भाई वाह। अगर आप थार लेते हो तो 13,36,000 रुपये शुरू होकर मोटा मोटी 21,18,000 रुपये तक मिल जाती है। लेकिन अगर आप रॉक्स लेते हो वो थोड़ी महंगी जाती है भाई। अगर आप रॉक्स चाहे नॉर्मल थार लेते हो, दोनों में आपको डीजल इंजन मिलता है, पेट्रोल भी मिल जाता है मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ, और 4x4 का भी ऑप्शन मिल जाता है और इवन 4x2 का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी 20 नंबर पे ऑल्टो K10, ये भाई लेजेंडरी कार है, आप सभी अच्छे जानते हैं। लोग बाग इसको लद्दाख ले जाके इतना मतलब भगाते हैं ना पूछो मत। इसकी भाई 8,548 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। ये भाई 4,67,000 रुपये शुरू के मोटा मोटी 6,92,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, CNG, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। ऑल्टो K10 का बात ही अलग है भाई। बाकी हाँ 19 नंबर पे है इनोवा। इसकी भाई 8,838 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में, 8,838 यूनिट है। ये भाई सेल्स जो मैंने बताया इसमें क्रिस्टा और हाईक्रॉस दोनों का कंबाइन है। अगर आप क्रिस्टा लेते हो तो 23,99,000 रुपये शुरू होकर 31,72,000 रुपये तक मिल जाती है। यहाँ पे आपको डीजल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ, लेकिन अगर आप हाईक्रॉस लेते हो तो वो भाई हाइब्रिड बन जाती है। आप सभी अच्छे जानते हैं हाइब्रिड बन नहीं जाती, हाइब्रिड है ही वो। इसके अलावा 18 नंबर पे है भाई XUV 3XO, ये सफोमीटर SUV है। इसकी 9,562 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में अक्टूबर में। ये कॉस्ट करती है भाई 9,14,000 रुपये शुरू होकर 18,49,000 रुपये तक है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। इसके अलावा 17 नंबर पे सोनेट है। इसकी भाई 9,699 यूनिट बिकी है, 9,699 यूनिट है। ये 9,36,000 रुपये शुरू के 18,82,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT वगैरह सब चीज़ देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक में मिल जाता है। इसके अलावा 16 नंबर पे महिंद्रा की बोलेरो सीरीज, यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों कंबाइन 9,849 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप बोलेरो सीरीज लेना चाहते हो तो 11,46,000 रुपये शुरू होकर 12,85,000 रुपये तक मिल जाती है नॉर्मल वाली जो क्लासिक है। अगर आप बोलेरो नियो लेते हो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है भाई इससे। दोनों में आपको डीजल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ, पेट्रोल भी नहीं मिलता, ऑटोमेटिक भी नहीं मिलता। बाकी 15वें नंबर पे XUV 700, इसकी भाई 10,435 यूनिट बिकी है अक्टूबर में, 10,435 यूनिट है। ये 16,61,000 रुपये शुरू होकर 30,06,000 रुपये तक मिल जाती है। यहाँ पे आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन
मिल जाता है। ये एक तरह से लग्जरियस कार जैसा फील देती है भाई बैठने पे, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो। बाकी हाँ, 14 नंबर पे वेन्यू, इसको कौन नहीं जानता। इसकी भाई 10,901 यूनिट बिकी अक्टूबर में। ये कॉस्ट करती है 9,31,000 रुपये शुरू होकर 15,80,000 रुपये तक है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। इसके अलावा 13 नंबर पे इको, ये कमर्शियल व्हीकल के लिए ज़्यादा यूज होती है भाई, लेकिन लोग बाग फैमिली में भी चलाते हैं। इसकी 11,653 यूनिट बिकी है अक्टूबर में ऑल ओवर इंडिया में। दीपावली में अच्छा बिकी है भाई, 6,25,000 रुपये शुरू की गाड़ी 7,68,000 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल मिलता है। ऑटोमेटिक आप इसमें चाह के भी नहीं खरीद सकते क्योंकि कंपनी वाले देते ही नहीं है। इसके अलावा 12वें नंबर पे डिज़ायर, ये भाई सेडान कार है, इसका नया मॉडल भी लॉन्च हो चुका है, लॉन्च नहीं रिवील हुआ है भाई शायद से। 12,698 यूनिट बिकी है इसकी, ये 7,66,000 रुपये शुरू होकर 10,99,000 रुपये तक आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। बाकी 11वें नंबर पे वैगनार, बक्सा जैसे दिखने वाली कार, इसकी भाई 13,922 यूनिट बिकी है अक्टूबर में। 13,922 यूनिट है, ये कॉस्ट करती है भाई 6,45,000 रुपये शुरू होकर 8,66,000 रुपये तक। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। बाकी 10वें नंबर पे ग्रैंड विटारा, ये आपकी मारुति की प्रोडक्ट है, इसकी 14,083 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। ये 12-13 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें आपको हाइब्रिड भी मिल जाता है, पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है, सीएनजी भी मिल जाता है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ है। बाकी हाँ, 9वें नंबर पे नेक्सॉन, इसकी भाई 14,759 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। 14,759 यूनिट, वाह भाई वाह। ये 9,38,000 रुपये शुरू के 18,50,000 रुपये तक मिल जाती है। यहाँ पे आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक, डीजल इंजन भी मिल जाता है, इवन इलेक्ट्रिक भी अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि नेक्सॉन भाई ऑलराउंडर कार है। बाकी हाँ, 8वें नंबर पे इनके स्कॉर्पियो सीरीज, 15,677 यूनिट बिकी है दोनों स्कॉर्पियो कंबाइन। 15,677, बाप रे बाप है। 16,17,000 रुपये शुरू के 20,96,000 रुपये तक मिल जाती है आपको क्लासिक है। बाकी हाँ, वहाँ पे आपको डीजल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ है, लेकिन अगर आप एन लेते हो तो वो भाई हर चीज़ में आती है, पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है, इवन ट्रांसमिशन में भी आपको मैनुअल ऑटोमेटिक मिल जाता है और ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है, 4x4 कह सकते हो। इसके अलावा 7वें नंबर पे पंच, ये आपकी माइक्रो एसयूवी है भाई टाटा की तरफ से, काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में आती है। इसकी भाई 15,740 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। ये 7,17,000 रुपये शुरू के 11,97,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। बाकी 6वें नंबर पे है बलिनो, ये मारुति की प्रोडक्ट है, बहुत ही फेमस कार है, प्रीमियम हैचबैक है। इसकी भाई 16,082 यूनिट बिकी है अक्टूबर में। 16,082 यूनिट, ये कॉस्ट करती है 7,77,000 रुपये शुरू के मोटा मोटी 11,50,000 रुपये तक है। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। बाकी हम अब आते हैं टॉप 5 में। 5वें नंबर पे फ्रॉन्क्स, इसकी भाई 16,419 यूनिट बिकी अक्टूबर में। ये 8,82,000 रुपये शुरू के 15,23,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक मिलता है, डीजल इंजन नहीं मिलता। फ्रॉन्क्स भी भाई नो डाउट अच्छी गाड़ी है यार, मतलब तगड़ी लगती है मेरे को। खैर, 4वें नंबर पे ब्रेजा, इसकी भाई 16,565 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप ब्रेजा लेते हो तो 9,79,000 रुपये शुरू के 16,58,000 रुपये तक मिल जाती है। मारुति वालों का भाई इतना, मतलब गाड़ी है जैसे आप शोरूम में जाते हो ना, इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे ना तो आपको एक से एक गाड़ी मिल जाएगी। जैसे आप फ्रॉन्क्स की अभी बात कर रहा था मैं, जैसे अभी मैं फ्रॉन्क्स की बात कर रहा था, फ्रॉन्क्स भाई 8,82,000 रुपये शुरू हो जाती है और ब्रेजा भाई 9,79,000 रुपये से, मतलब 1,00,000 रुपये का भी डिफरेंस नहीं है और आपको बड़ा गाड़ी मिल रहा है भाई, बताओ। तो लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा हो जाता है भाई मारुति के शोरूम में जाने पे, क्योंकि हर प्रकार की गाड़ी है ना इनके पास, बड़ा, छोटा, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, सब प्रकार का। खैर, ब्रेजा में आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है, डीजल इंजन नहीं मिलता। बाकी 3रे नंबर पे है हमेशा की तरह क्रेटा, इसकी भाई 17,497 यूनिट बिकी है अक्टूबर में। ये 12,95,000 रुपये शुरू होकर 24,15,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। इसके अलावा 2रे नंबर पे स्विफ्ट, ये भाई 17,539 यूनिट बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। और देखो 17,539 यूनिट बिकी है, सीएनजी आने की वजह से इतना बिकी है भाई, बहुत बड़ी बात है। ये 7,58,000 रुपये शुरू के मोटा मोटी 11,23,000 रुपये तक मिल जाती है। बाकी नंबर 1 पे है अर्टिगा एमपीवी, इसकी भाई 18,750 यूनिट बिकी है। वाह भाई वाह, 18,750 यूनिट है। बाकी हाँ, ये 10,19,000 रुपये शुरू के 15,30,000 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। तो यही है वो 25 गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई हैं ऑल ओवर इंडिया में अक्टूबर के महीने में। आई होप आप सभी को मजा होगा। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से, जय हिंद सभी को।